जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्श फिर अभी आई थी जॉब से, और नाश्ते के लिए हम हमेशा ब्रेड अंडा ही खाते हैं, तो हमने कहा कि चलो ब्रेड ऑमलेट खाते हैं। बट फ्रिज में खोल के देखा तो सिर्फ एक अंडा पड़ा था। तो अब हमने क्या सोचा है फिर? हमने सोचा है कि हम बाहर जाएंगे, बाहर खाएंगे, क्योंकि अंडे नहीं है, ग्रॉसरी लेकर नहीं आए, तो ये पनिशमेंट है इनके लिए। और वैसे भी मेरी ना जॉब बड़ी शिफ्ट बड़ी बिजी रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इतनी जो है खूबसूरत सुबह हुई है यहाँ पे, सारे पक्षी भी कौवे स्पेशली की यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह भी बड़ी सुहावनी सी है, और हमें है कि चलो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और अब हम जा रहे हैं अर्श वाली गाड़ी में जो कि ये वाली है, और अब हम जा रहे हैं अर्श वाली गाड़ी में जो कि टोयोटा की है, मेरी भी टोयोटा की है, बट हम जा रहे हैं इस वाली गाड़ी में। तो फिर आपको ले चलते हैं वहाँ पे और दिखा देंगे कि चलो यहाँ खाने वाने का सिस्टम कैसा है मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे मॉल पे। आप क्लियरली तो नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी हैं, बट ये है वेस्टफील्ड मॉल। तो यहाँ पे हम खाने जाएंगे। जो शॉप है वो बिल्कुल जो है फ्रंट में ही बनी हुई है, और हमने अभी नोटिस किया कि यहाँ पे सर्कस भी लगी हुई है। पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एक सिल्वर्स करके सर्कस भी है। टाइमिंग हमने पता नहीं कितना है, बट चेक करके बताएंगे आपको, और जाना हुआ तो आएंगे भी। अर्श आ जाओ, चल लो। नींद तो नहीं आ रही? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं ड्राइविंग की, सीट बेल्ट लगानी पड़ती है जो साइड में बैठा है उसको। हाँ, अगर आप साइड पे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, और बल्कि यहाँ बच्चे की भी अलग से सीट होती है फॉर सेफ्टी रीजंस। और यहाँ पे ये है कि सब लोग जो है प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। ये जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ बनी हुई है, तो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो गाड़ी वाले जो हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। ये नहीं है कि वो चलते जाएंगे और हमें उन वेट करना पड़ेगा उनके जाने का, वो अपने आप रुक जाएंगे हमारे लिए। आज जो है शनिवार का दिन है, तो सब लोग जो है यहाँ, आपको हमने जैसा बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सैटरडे संडे लोग अपना आराम से ही उठते हैं क्योंकि उनकी 5 दिन जॉब होती है। तो बट फिर भी कुछ लोग आए हुए हैं खाना यहाँ खाने के लिए, तो हम भी जाते हैं वहाँ। तो ये है वेस्टफील्ड और ये इसकी एंट्री है। और ये वो शॉप है जहाँ से हम अपना ब्रेकफास्ट खाएंगे आज, तेगानी नाम है इसका। बनाई जाओ। तो उन्होंने हमें कहा कि हम जो है यहाँ जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारी यूजुअल प्लेस है वहीं बैठ जाते हैं, टेबल नंबर 1 पे ही। काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है, ऐसे नकली है बट बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये वहाँ का मेन्यू है। हम मोस्टली वहाँ पे ब्रेकफास्ट में जब भी जाते हैं स्मैश्ड एवोकाडो मैं करती हूँ, और ये अपने लिए एग एंड टोस्ट करते हैं। तो वही हमारा बेसिक सा कॉमन सा वही ब्रेकफास्ट था जो हमने ऑर्डर किया हमेशा की तरह। ब्रेकफास्ट से पहले फिर वो हमेशा पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या जूस लेंगे। तो हम लोगों ने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है कैपेचिनो, और साथ में मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की है। और फिर आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था, ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे सामने आ गया था, और हमने खाना शुरू किया। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंडे हैं पूंछ वाले, और अब जब हम इसको काटेंगे तो आप देखना कैसे इसमें से जो है रनी एग होता है। तो कुछ लोगों को शायद नहीं अच्छा लगेगा, बट ये रनी एग होता है, तो इसके अंदर से जो सारा लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, ऐसे हमने फिर ब्रेकफास्ट फिनिश किया सारा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हमने बिल पे किया। बिल पे करने के बाद हम थोड़ा बाहर गए, मॉल में थोड़ा घूमे, क्योंकि खाना बहुत खा लिया था तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी वॉक हो जाएगी, उसके बाद ही घर जाएंगे। मॉल में क्या है कि ऐसे ना स्कूटर मिल जाते हैं जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो डिसेबल लोग हैं, मॉल घूमना चाहते हैं बट उनके पास एनर्जी नहीं है, वो इस स्कूटर पे बैठ के मॉल घूम सकते हैं बहुत इजीली। ब्रेकफास्ट फिर जो है हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अंदर, बट कुछ हम बोल नहीं सके, हमें इसका वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक बड़ा तेज बज रहा था और वो कॉपीराइट के कारण हम वहाँ अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए। बिल जो है हमारा आया 43.90 यानी कि $44 लगभग हो गया, जो कि इंडिया का मेरे ख्याल से 2500 या 3000 रुपये हो गया। तो ये है कि थोड़े से अंडे ना होने के कारण सुबह सुबह ही चूना लग गया हम लोगों को। ये अर्थशास्त्री है, चूना लग गया सुबह सुबह ही हमें। और आगे से याद रखना कि अंडे जो है जहाँ तो $10 के अंडे ले आओ, नहीं तो $43 के अंडे पड़ेंगे आपको दो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से पहले ही लाके रखने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं घर। खाने का तो यही है कि हाँ $43 तो लगे हैं, बट ये है कि खाना बहुत ही अच्छा था, हेल्दी है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, और क्या चाहिए हमें। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यही है कि अगर आप बाहर खाने जाओ तो आपको अच्छा हेल्दी खाना भी मिलेगा, अनहेल्दी भी मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आपने बर्गर खाना है कि आपने कोई अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, वेजिटेबल्स जैसे सैलेड भी रात में, सैलेड भी खा सकते। अगर आपने रात को जैसे सैलेड खाना है तो आप सैलेड भी ले सकते हो, चिकन के साथ वार्म सैलेड ले सकते हो, चिक पीस के साथ, वो भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चीज नहीं अच्छी लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाए उसमें वो चीजें ध्यान में रखें। सो आपके कमेंट हमें बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, प्लीज आप हमें बताइए और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.